हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बुक किचन कॉर्नर। चलिए आज हम ना सीजन पिज़्ज़ा बनाते हैं। आज बारिश वाले सीजन में मार्केट में बहुत ज़्यादा स्वीट कॉर्न अवेलेबल हो गया है, तो चलो हम आज स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा बनाते हैं, जिसको बनाने का प्रोसेस बिल्कुल 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 भी आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो एक बेहतरीन महंगा वाला पिज़्ज़ा हम घर में ही बना लेंगे। तो चलो उसको बनाने का तरीका देख लेते हैं, चलिए मेरे साथ किचन में। दोस्तों चलो आज बाज़ार वाला महंगा पिज़्ज़ा घर में ही कुछ सस्ते से चीज़ों से, महंगे से भी ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा हम घर पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पिज़्ज़ा बेस लगेगा, जो कि हमने मार्केट से ले लिया है, तो उसको हम कुछ ऐसे ही दिखने वाली प्लेट पे पहले ही रख लेंगे, क्योंकि हम इसी बार इसको कुक करने वाले हैं। उसमें डालेंगे हम रेड चिली सॉस। तो थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालने के बाद हमने उसको कुछ इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। उसी पे हमने टोमेटो केचप डाल लिया है, उसको भी उसी स्पून से हमने अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर लिया है। अब इस तरीके से कुछ स्लाइसेस में हमने अनियन कट किया हुआ है। चाहो आप स्लाइसेस की स्लाइसेस रख लो, या फिर इस तरह से उसको लच्छा वाले में भी कट करके रख लो। उस पर हमने डाली है कटी हुई शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची को हमने कुछ ऐसे फ्लावर वाले शेप में कट आउट किया हुआ है। उसके बाद हमने स्लाइसेस में कट किए हुए टमाटो लिए हैं, उसको भी उसके ऊपर ही हमने इस तरह से जमा दिया है। उस पर डाला है हमने स्वीट कॉर्न, जो कि सीजनल है, अवेलेबल आसानी से हो जाते हैं। उस पर डाला ओरिगैनो। ओरिगैनो स्प्रिंकल करने के बाद में हम उसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल लेंगे, इसको भी हम अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे। और ये थोड़ा सा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें रहता ही है। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया है, जिससे टेस्ट अच्छा आता है। और ये चीज़ भी हम उसके ऊपर क्रश कर लेंगे। चीज़ थोड़ा हमने एक्सेसिव ही यूज़ किया हुआ है, क्योंकि तभी मार्केट वाला टेस्ट हमें अच्छा सा आ जाएगा। तो यहाँ हमने इस तरह से भर भर के चीज़ डाला है उस पर। और अब हम चलते हैं बेकिंग प्रोसेस में। तो यहाँ हमने रेत ली हुई है। रेत को तो पहले हमने अच्छे से धो लिया है और उसको सुखा लिया है, और ऐसे कोई कढ़ाई में इसको हम रख देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी रेत गर्म हो जाती है, उसमें हम इस तरह की कोई रिंग अटका देंगे। ऐसी रिंग रखने के बाद में ऑलरेडी हमने जो पिज़्ज़ा था वो उसी प्लेट पे रखा है जिस पे हमें पकाना है, तो उसको हम इस तरह से डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ बिल्कुल भी रख के अपने काम के लिए निकल जाएंगे। 15 मिनट बाद हम यहाँ चेक करते हैं, जो हमारा चीज़ था वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, और सारे जो वेजिटेबल थे वो अच्छे से स्मूथ हो गए हैं। अच्छे से यहाँ कुक होने के बाद में हमने उसको पिज़्ज़ा कटर से कट आउट कर लिया है पीस बाय पीस। और देखिए, है ना, बाज़ार से भी मज़ेदार पिज़्ज़ा हमारा, बहुत ही सस्ते में सस्ता हमारा यहाँ A1 पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। तो इस तरह से स्लाइसेस लीजिए और इंजॉय कीजिए। बरसात के सीज़न में यहाँ हमें स्वीट कॉर्न इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसलिए हमने स्वीट कॉर्न की क्वांटिटी थोड़ी एक्सेस यूज़ किए हुए है, और चीज़ को भी हमने इसमें अच्छा खासा ही यूज़ किया है। तो यहाँ हमारा स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा मार्केट से भी बेहतर कम दाम में घर में ही रेडी हो जाता है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हुए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।